हेलो दोस्तों, आशा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू पटल की सब्जी। तो उसके लिए हम एक पाव ये पटल ले लिए हैं और एक मीडियम आकार का प्याज ले लिए हैं, इसको हम कट कर लिए हैं। और हम चार उबला हुआ आलू ले लिए हैं, इसको भी हम कट कर लिए हैं। मसालों में हम एक बड़ा मीडियम आकार का टमाटर लिए हैं और आधा इंच आधी का टुकड़ा लिए हैं और 8-10 लहसुन की कली लिए हैं और 6-7 मिर्ची लिए हैं। इसका हम कद्दूकस कर लेंगे और ये तीनों को हम पेस्ट बना लेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा कढ़ाई में अब हम तेल डाल देंगे और हलवाई तो ज़्यादा तेल में बनाते हैं, पर मैं ज़्यादा तेल में नहीं बनाऊंगी और मैं सरसों तेल में बनाऊंगी, लेकिन स्वाद इसका बिल्कुल ही अलग होगा दोस्तों। एक बार बनाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे इस विधि से। और तेल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें पटल डालेंगे। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम पटल डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे सुनहरा होने तक। पटल को जितना अच्छा भूनेंगे दोस्तों, उतना अच्छा हमारा सब्जी स्वादिष्ट बनेगा। देखिए दोस्तों, हमारा पटल भुना गया है, अब इसी में हम आलू डालकर थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि ये उबला हुआ आलू है तो ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है। इसी में डालकर मैं भून लूँगी थोड़ा सा। दोस्तों हमारा आलू और पटल अच्छे से भुना गया है, अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हम सारा आलू और पटल निकाल लिए हैं, अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं और 2 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। इसे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। अब इसमें हम जो गरम मसाला लिए हैं, देखिए दोस्तों, ये 1/4 चम्मच जीरा है, 2 लौंग है और ये सफ़ेद गोलकी है और ये 1 सूखी लाल मिर्च है, 2 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची है और 3-4 काली मिर्च है। इसको हम डाल देंगे तड़के में, इसका तड़के में स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जीरा को चटकने देंगे, उसके बाद ये मसाला हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों, जीरा हमारा चटक गया है, अब इसमें हम तेज़पत्ता, दालचीनी, सारा खड़ा मसाला डाल देंगे और 1 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल के भून लेंगे। अब प्याज को हम गुलाबी होने तक भुनेंगे दोस्तों। हम आकार का जो टमाटर लिए थे उसका प्यूरी बना लिए हैं, इसको हम अब इसमें डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। ये दोस्तों टमाटर भी थोड़ा भुना गया है, अब इसमें हम मिर्ची, लहसुन और आदि का पेस्ट डाल देंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, गरम कर देंगे, नहीं तो मसाला हमारा जल्दी से जलने लगेगा। अब मसाला जितना अच्छा भुनाता है दोस्तों, सब्जी में उतना अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी, और इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे।
अब इसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें उबाल आने देंगे। दोस्तों हमारा मसाला में उबाल आने लगा है, अब इसमें हम आलू पटल डाल देंगे। अब इसे हम ढककर 10 मिनट पका लेंगे ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह चला जाए आलू पटल में। देखिए दोस्तों हमारा 10 मिनट हो गया है, अब इसका हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। उसके बाद हम ये धनिया पत्ता डाल देंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए दोस्तों कम तेल में ही हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल स्वादिष्ट सब्जी बनाकर रेडी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। अगर आप सबको हलवाई स्टाइल आलू पटल की सब्जी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।